रतलाम में 12 लाख की लूट के मामले में चंद घंटों में ही फरियादी दोनों भाई ही निकल आए आरोपी। रतलाम के बड़ावदा में किसान के साथ 12 लाख रुपए की लूट के मामले में बड़ावदा थाना पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। किसान के साथ हुई लूट की कहानी झूठी निकली है, जिसमें फरियादी किसान मोहन सिंह की चंद घंटों में आरोपी सिद्ध होगा। मोहन सिंह ने अपने भाई मेहरबान सिंह के साथ मिलकर बड़ावदा निवासी व्यापारी कालू सेठ से खरीदी सोयाबीन के रुपए नहीं देना पड़े, इस नियत से अपने साथ हुई लूट की झूठी कहानी बड़ावदा पुलिस को सुना दी, जिसमें बड़ावदा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है। बड़ावदा थाना प्रभारी मनोज यादव ने फरियादी मोहन सिंह से गंभीरता से पूछताछ व जिस रूट पर निकले उस रूट के सीसीटीवी फुटेज की मदद से पूरे मामले का खुलासा ही किया। झूठी मनगढ़ंत कहानी बनाकर पुलिस को गुमराह करना व जालसाजी के मामले में पुलिस ने दोनों ही भाइयों को आरोपी बनाया है। दरअसल शनिवार को हनुमंतिया गांव निवासी किसान मोहन सिंह ने बड़ावदा थाने पर शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह वेयर हाउस में सोयाबीन जमा कर वहां से 12 लाख रुपया लेकर मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहा था, तभी मलैनी नदी के पुल के पास चार अज्ञात बदमाशों ने उसके साथ मारपीट कर सोयाबीन की फसल के 12 लाख रुपए लूट लिए हैं। घटना के समय अपने आप को अकेला होना पुलिस को बताया था। पुलिस जांच में मोहन सिंह द्वारा दी गई जानकारी संदेहास्पद लगने पर वेयरहाउस और जावरा शहर के सीसीटीवी फुटेज पुलिस द्वारा चेक की गई, जिसमें फरियादी मोहन सिंह के साथ दो लोग मोटरसाइकिल पर सवार दिखाई दिए। पुलिस के द्वारा मोहन सिंह से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह और उसका भाई मेहरबान सिंह बड़ावदा के अनाज व्यापारी कालू सेठ से लिए गए सोयाबीन के रुपए नहीं देना पड़े, इसलिए हम दोनों भाइयों ने झूठी लूट की कहानी रची है और रुपए देने दोनों भाइयों ने आधे आधे बांट कर घर पर छुपा दिए। बहरहाल इस मामले में बड़ावदा थाना पुलिस ने झूठी शिकायत दर्ज करवाने और जालसाजी के मामले में दोनों आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है। आज जो बड़ी सफलता मिली उसके बारे में किस तरीके से कौन कौन आरोपी पकड़ाए हैं और क्या क्या प्रकरण दर्ज हुए हैं? इसमें लूट का प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें जो फरियादी है उसके द्वारा ही रुपए ना देना पड़े इसके लिए जो है उसने साजिश रची अपने भाई के साथ मिलकर और एक झूठी कहानी रच के अपने ऊपर ही लूट जो है का मुकदमा अपने ऊपर ही लूट हुई उसका जो है मुकदमा कायम करवाया। सर कितनी की लूट हुई थी सर? ये फरियादी द्वारा जो है जो अनाज व्यापारी है उसके द्वारा 12 लाख रुपए जो है अपने अनाज के बदले में दिए गए थे, उन्हीं 12 लाख रुपयों के उसने जो है लूट बताई। इसमें जो है साक्ष्य जो फरियादी ने जो घटना बताई थी घटना के साथ जो हमें तकनीकी साक्ष्य जो मिले हैं उसमें जो है अंत आने के बाद उससे से पुनः पूछताछ की गई और उससे जो पूछताछ में जो उसने तथ्य बताए उसमें फरियादी फिर टूट गया, फिर वो जो है अपनी कहानी पे कायम नहीं रह सका और फिर उससे सर ये जो जब घटना की फरियादी ने जो अभी आरोपी बना है उसी ने आपको आगे रिपोर्ट लिखवाई थी, तो क्या आपको उसी वक्त कुछ ऐसी आशंका हुई थी कि हो सकता है यही आरोपी से निकल जाए? नहीं, उस वक्त तो ऐसी आशंका नहीं होती भाई, उसने जो घटना बताई उसकी सत्यता की जांच करते हैं उसके बाद। तो आपकी इस कार्यवाही में किन अधिकारियों वरिष्ठ अधिकारियों का वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देशन रहा, उनके द्वारा जो है जो पॉइंट दिए गए उनके ही कार्य करते हुए हमने जो इस चीज की अगली आपकी आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई हो गई अभी हम जांच कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू।